नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की 14वीं कड़ी में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के बारे में। मैं हूं पारितोष जायसवाल। वर्ष 2000 में गठित छत्तीसगढ़ राज्य तेजी से महत्वपूर्ण पर्यटन और एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य के विकास में इसकी रणनीतिक स्थिति, आसान पहुंच सुविधा और लागत प्रभावी परिवहन का प्रमुख योगदान है। छत्तीसगढ़ सड़क मार्गों की लंबाई 35,388 किलोमीटर है, जिसमें नेशनल हाईवे 2,184 किलोमीटर तथा स्टेट हाईवे 3,611 किलोमीटर की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा शेष जिला सड़कों एवं गांवों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में रोडवेज छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है। राज्य शासन द्वारा वाहन पंजीकरण के लिए वाहन नामक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी नामक राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में तकनीकी आर्थिक विकास के आधार पर छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता थी, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 बनाकर पूरा कर लिया है। आज इस ऑडियो आर्टिकल में हम नवीन नीति के उद्देश्य, ईवी खरीद के लिए प्रोत्साहन, लक्ष्य, इस नीति से क्या अपेक्षित परिणाम है या कहें संभावित लाभ क्या है, छत्तीसगढ़ में ईवी के सामने चुनौतियां कौन सी हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ सहित भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सफल बनाने के लिए किए जा सकने वाले प्रयास कौन से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के संक्षिप्त इतिहास पर। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का इतिहास 90 के दशक से ही प्रारंभ हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम एडी इलेक्ट्रिकल्स नामक कंपनी ने जापान की यास्कावा इलेक्ट्रिकल कंपनी के सहयोग से 1993 में लव बर्ड नामक देश की पहली इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया, जो एक बार चार्ज करने पर 60 किलोमीटर तक का रेंज प्रदान करती थी। भारत का सबसे पहला तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन 1996 में स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने विक्रम नाम से निकाला। 2007 में दुपहिया वाहन निर्माता हीरो ने यूनाइटेड किंगडम आधारित एक कंपनी अल्ट्रा मोटर्स के साथ मिलकर दुपहिये वाहनों को भी भारत में उतार दिया। वर्तमान समय में 20 से अधिक कारें भारत सहित छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं। इलेक्ट्रिक वाहन का कॉन्सेप्ट नया है। चूंकि यह नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए भारत सहित छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, चार्जिंग अवसंरचना तथा सुदृढ़ परिवेश का अभाव इलेक्ट्रिक व्हीकल की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में सबसे बड़े बाधक हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास का निम्न स्तर होने के कारण परंपरागत आंतरिक दहन इंजनों की तुलना में इसकी कीमतें वर्तमान में अधिक हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लगातार उच्च स्तर के कुशल तथा लगातार सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। भारत समेत छत्तीसगढ़ में ऐसे कौशल विकास के लिए समर्पित तथा सक्षम प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की कमी है। चौथा, इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन एक पूंजी गहन क्षेत्र है, जहां एक समानता और लाभ प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन से संबंधित सरकारी नीतियों की अनिश्चितता इस उद्योग में निवेश को हतोत्साहित करती है। पांचवा, देर से लाभ तथा आंतरिक पूंजी की अधिकता के कारण निवेशक तथा ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में निवेश करने हेतु मौद्रिक रूप से प्रोत्साहित नहीं हो पाते हैं। छठवां, छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत में वाहन रिपेयर का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र के मैकेनिकों द्वारा कवर किया जाता है। इन कारीगरों के लिए ईवी का कॉन्सेप्ट नया है। इसके साथ ही बैटरी जल्दी खत्म हो जाने का भय, जिसे तकनीकी रूप से रेंज एंजाइटी कहा जाता है, भी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास में बाधक साबित हो रहे हैं। सातवां, पारंपरिक वाहनों के कलपुर्जों में हमारी निर्भरता 15-20% तक की है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों में यह निर्भरता 80% तक हो जाती है। इन पार्ट्स की स्वदेशी उपलब्धता सुनिश्चित करने तक भारत में ईवी की सफलता कुछ हद तक अनिश्चित ही दिखाई पड़ती है। आठवां, छत्तीसगढ़ में 70% जनता ग्रामों में निवास करती है, जहां चार्जिंग स्टेशनों की कमी तथा वर्तमान बैटरियों का लंबी दूरी तक न जा पाना एक बड़ी चुनौती के रूप में है। इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन के मुख्य साधन के रूप में अपनाने के साथ ईवी बाजार के विकास में निर्माताओं, स्टार्टअप्स और निवेशकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक स्थायी वातावरण स्थापित करने में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाना छत्तीसगढ़ राज्य ईवी वाहन नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा इस नीति के अन्य उद्देश्यों की बात करें तो है, पहला, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के स्थायी भविष्य के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना।
दूसरा, वाहनों के कारण तेजी से बढ़ रही जहरीली गैस उत्सर्जन आदि, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक बिगड़ता है, इसे कम करने की योजना बनाकर क्रियान्वित करना। तीसरा, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, ताकि 2027 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में बैटरी ईवी का 15% तक का योगदान हो, और परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करके छत्तीसगढ़ के पर्यावरण में भौतिक सुधार लाया जा सके। चौथा, विशेष रूप से दोपहिया वाहनों, सार्वजनिक वाहनों तथा मालवाहकों की श्रेणी में बड़े पैमाने पर ईवी को प्रोत्साहित करना। पांचवा, छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रिक वाहनों और सहायक उपकरणों का विनिर्माण केंद्र बनाना, जिससे राज्य के युवाओं के लिए असीमित रोजगार के अवसर पैदा हो सके। छठवां, सतत विकास की दिशा में उद्योग की जरूरतों को पूरा करने में इंजीनियरों, डिजाइनरों, तकनीशियनों तथा शोधकर्ताओं का एक प्रतिभा पुल बनाना। छत्तीसगढ़ में ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतियों को भी प्रस्तावित किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, वित्तीय प्रोत्साहन, जिसके अंतर्गत न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद पर प्रोत्साहन सुनिश्चित किया गया है, बल्कि स्क्रैपिंग प्रोत्साहन पर भी समुचित ध्यान दिया गया है। दूसरा, रोड टैक्स तथा रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दिया गया है। तीसरा, चार्जिंग स्टेशनों तथा स्वैपेबल बैटरी स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क की स्थापना तथा स्टेशनों के सार्वजनिक स्वामित्व वाले डेटाबेस का विकास सुनिश्चित किया गया है। चौथा, राज्य ईवी विकास निगम लिमिटेड के गठन सहित नीति प्रशासन सुनिश्चित करना तथा एक गहन सार्वजनिक आउटरीच करना, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों और नीति के प्रमुख तत्वों के बारे में जागरूकता पैदा करने में केंद्रित है। राज्य ईवी विकास निगम लिमिटेड के गठन सहित नीति प्रशासन सुनिश्चित करना तथा एक गहन सार्वजनिक आउटरीच करना, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों और नीति के प्रमुख तत्वों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। पांचवा, रोजगार सृजन के साथ ईवी इकोसिस्टम में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण के प्रावधान के साथ कौशल केंद्रों की स्थापना करना। छठवां, बैटरियों के लिए रिसाइकलिंग इकोसिस्टम की स्थापना करना। सातवां, अकुशल या प्रदूषणकारी वाहनों पर अतिरिक्त कर, उपकर, शुल्क आदि लगाने के लिए एक गैर व्यपगत राज्य ईवी फंड का निर्माण किया जाएगा, जिसे वायु परिवेश निधि के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। आठवां, एमएसएमई नीति 2016 के तहत विनिर्माण उद्योगों के लिए उपलब्ध सभी इंसेंटिव ईवी निर्माताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए अब देखते हैं नई नीति में प्रस्तावित प्रोत्साहन या प्रस्तावित सब्सिडियां कौन सी हैं। राज्य में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग में लाने के लिए और वाहन के प्रदूषण में कमी करने के लिए यह नीति विशेष रूप से दोपहिया, सार्वजनिक, साझा वाहनों और सामान वाहक जैसे वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और उपयोग को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। इसके अलावा, पहला, राज्य सरकार द्वारा एक समान स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस वाले इंटरनल कंबशन इंजन और ईवी के बीच अंतर को कम करने के लिए पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दूसरा, राज्य के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के मूल्य पर 10% या अधिकतम 1.5 लाख खरीदी प्रोत्साहन राशि देय होगी, जो 2026-27 तक 5 वर्षों के लिए होगी। तीसरा, सरकारी विभागों आदि को ईवी किराए पर लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चौथा, सभी निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 50% सब्सिडी वाली पार्किंग प्रदान की जाएगी। पांचवा, उपरोक्त अवधि में राज्य में बेची और पंजीकृत इलेक्ट्रिक बसों पर 100% स्टेट जीएसटी प्रतिपूर्ति भी प्रदान की जाएगी। छठवां, बैटरी असेंबली इकाइयों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई नीति में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। सातवां, सरकार प्लग एंड प्ले आंतरिक बुनियादी ढांचे, सामान्य सुविधाओं और आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ ईवी पार्क विकसित करने के लिए 500 से 1000 एकड़ भूमि आवंटित करेगी। यह औद्योगिक पार्क ईवी इकोसिस्टम निर्माताओं को आकर्षित करने के साथ साथ इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित करेगा। आठवां, आने वाले समय में लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए समर्पित क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर, स्टाम्प शुल्क, टैरिफ प्रोत्साहन और अन्य नीतिगत सहायता भी प्रदान की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता के लिए इसके चार्जिंग स्टेशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के अंतर्गत कौन सी सुविधाएं चार्जिंग स्टेशनों के लिए दी गई हैं। पहला, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए निजी तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा, मौजूदा आवासीय तथा गैर आवासीय भवन मालिकों को निजी चार्जिंग प्वाइंट के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
साथ ही हाउसिंग पॉलिसी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना अनिवार्य की गई है। तीसरा, हाउसिंग बोर्ड आगामी आवासीय एवं वाणिज्यिक भवन, शॉपिंग मॉल आदि इमारतों में कुछ प्रतिशत ईवी पार्किंग तथा चार्जिंग स्टेशनों के लिए रखा जाएगा, जिसे ईवी रेडी कहा जाता है। चौथा, सरकारी कर्मचारियों के निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट सरकारी कार्यालयों के पार्किंग क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे। पांचवा, हाईवे रिफ्यूलिंग स्टेशनों को टॉप अप चार्जिंग के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। छठवां, राज्य में चालू किए गए 300 पहले फास्ट चार्जिंग स्टेशनों को सरकार 25% पूंजी सब्सिडी प्रति स्टेशन 10,00,000 रुपए तक उपलब्ध कराएगी। सातवां, तापीय से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर जाने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान भी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की इस नवीन नीति से छत्तीसगढ़ में ईवी की सफलता के लिए कुछ परिणाम सुनिश्चित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सफलता के लिए हो सकने वाले कारणों की चर्चा की जाए, जिसमें होंगे, पहला, छत्तीसगढ़ एक विद्युत सरप्लस तथा गैर बाधित सप्लाई वाला राज्य है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राथमिक मांग है। दूसरा, छत्तीसगढ़ एक उद्योग प्रधान राज्य है, जाहिर है यहाँ पेट्रोल पंपों की अधिकता भी होगी। हाल ही में टाटा मोटर्स ने HPCL के साथ चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए अनुबंध किया है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में तेजी से उभरता मध्य वर्ग तथा न्यूक्लियर फैमिली का बढ़ता प्रचलन घरों में कारों को लग्जरी आइटम से ज्यादा जरूरत बना चुका है। चौथा, छत्तीसगढ़ सरकार की नई ईवी पॉलिसी जहां निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम है, वहीं ग्राहकों की चिंताओं को भी दूर करती है। पांचवा, छत्तीसगढ़ में होती शिक्षा की प्रगति, नवाचारों के प्रति लोगों की रिस्क कैपेसिटी का बढ़ना तथा वैश्विक जागरूकता के साथ छत्तीसगढ़ का जुड़ना भी छत्तीसगढ़ में ईवी की सफलता को सुनिश्चित करता है। छठवां, छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ राज्य है, चाहे बात हो जंगल में पशुओं के लिए आवश्यक शांति की या प्रदूषण तथा शोर मुक्त पर्यावरण की, ईवी दोनों ही उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है। आइए अब देखते हैं ईवी पॉलिसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए 2,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी अवधि 2022-23 से 2026-27 तक है, जिसमें 2-व्हीलर के 1.69 लाख, 3-व्हीलर के 17,000, 4-व्हीलर गैर वाणिज्यिक के लिए 12,000 तथा वाणिज्यिक 4-व्हीलर के लिए 1100 एवं 900 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य रखा गया है। आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों से कौन से संभावित लाभ हो सकते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के महानगर जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर आदि भी गंभीर प्रदूषण से ग्रस्त शहरों की सूची में आते रहते हैं। इन शहरों में प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहन में प्रयुक्त ईंधन भी है। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग प्रदूषण कम करने में सहायक होगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ समेत पूरा विश्व पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। आज जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख चुनौती बनकर हमारे सामने है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाकर वैश्विक प्रयासों में अपना योगदान दे सकता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो अपने खनिज संसाधनों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में सकारात्मक योगदान प्रदान कर रहा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा भाग पेट्रोल और डीजल जैसे हाइड्रोकार्बन ईंधनों के आयात पर व्यय हो जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रयोग से यह समस्या हल की जा सकती है। चौथा, इलेक्ट्रिक वाहन संरचना में अत्यंत सरल होते हैं, जिससे इसमें प्रक्रियात्मक जटिलता का अभाव होता है। नया उभरता मध्य वर्ग तथा तेजी से कारों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन एक नई उम्मीद लेकर आए हैं। पांचवा, ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में ईवी का मेंटेनेंस खर्च काफी कम होता है। इंजन की जगह मोटर का प्रयोग कम मेंटेनेंस को सुनिश्चित करता है। छठवां, भारत सरकार की FAME I FAME II के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न रियायतें भी कीमतों को कम कर रही हैं, जो कि जनमानस का एक सामान्य चिंता का विषय होता है। भारत पर्यावरणीय सुधारों का पक्षधर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रदूषण की समस्या से प्रभावित प्रमुख राज्य है। भारत सरकार द्वारा ग्लासगो सम्मेलन में किए गए पंचामृत सिद्धांतों की नीतियों
जिसमें 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा जरूरतों को अक्षय ऊर्जा से पूरा करने के लिए तथा कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करने तथा 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ अपना योगदान दे रहा है। छत्तीसगढ़ में सड़कों की स्थिति, बिजली उपलब्धता का सरप्लस होना, हालिया घोषित ईवी पॉलिसी तथा लोगों में बदलाव को लेकर बढ़ती स्वीकार्यता छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता को सुनिश्चित करती है। ईवी अपनाकर छत्तीसगढ़िया जनमानस अपने वैश्विक नागरिक होने की जिम्मेदारी को पूरा कर सकेगा। उम्मीद है सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी न केवल छत्तीसगढ़ के लिए ही उपयोगी होगी बल्कि अन्य राज्य भी इसके लिए प्रेरित हो सकेंगे। धन्यवाद।